ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चल दृश्यं प्रति भवताम भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, व्याकरण महाभाष्यम को हम निरंतर पढ़ते आ रहे हैं और आज इसकी कक्षा संख्या 42 को हम पढ़ेंगे, 42 को पढ़ेंगे। प्ले लिस्ट में कॉलम बना दिया गया है महाभाष्यम नवाह्निकम, उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को जब चाहें जहां चाहें वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था और आप हमारे साथ में ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, यहां पर जुड़ जाइएगा 8319694799। और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है देववाणी संस्कृतम का 9568104261। ठीक है, ये नीचे कॉलिंग नंबर दिए गए हैं तीन, इन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और मित्रों, इस महान अभियान को चलाने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। प्रति माह इसमें काफी पैसा काफी धन व्यय होता है इस पूरे अभियान को संचालित करने के लिए। कम से कम वर्तमान में आज के समय में आज आप देख लीजिएगा क्या तारीख है, आज 17 तारीख और नवंबर 2022 चल रहा है। आज के समय में 45 से 50 हजार रुपए इसमें व्यय होते हैं, कम से कम बता रहे हैं आप। तो मित्रों, ये सभी सहयोग आपको ही देना होता है, आप सभी लोग ही इसकी व्यवस्था करते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस महान अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा, जो भी प्रभु की कृपा से आपके पास में हो, जो भी हो, आप अपने प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से कि मैं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रति माह इतना सहयोग देववाणी संस्कृतम को दूंगा, तो हम और काम को विस्तार दे पाएंगे और निरंतरता से करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई भी आय का दूसरा स्रोत नहीं है। आपका सहयोग ही इस व्यवस्था का संचालन करने का एक माध्यम है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप प्रति माह हमें सहयोग भेजते रहें। ये अकाउंट नंबर दिया है यहाँ, इसमें भी आपको अकाउंट नंबर दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके माध्यम से ही सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं और ये व्हाट्सएप नंबर है और ये पेटीएम गूगल पे फोन पे नंबर ये वाला है 9582104261। ठीक है, पर आप अपना सहयोग भेज करके हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सूचित कर दें। ये वाला व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर ये है। तो मित्रों, आप अपना सहयोग दीजिएगा। देखिएगा, आपसे निवेदन मैं करता हूँ, स्वयं पढ़ के आपको बता देता हूँ। ठीक है, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण संस्थानम हरिद्वारम, मासिक सदस्य बनिएगा, आपसे ही निवेदन किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन किया जाता है कि देववाणी संस्कृतम संस्थान पूर्णतः आप सभी के सहयोग से निःशुल्क संचालित होता है। इसे संचालित करने में प्रति माह लगभग 45 से 50 हजार रुपये व्यय होता है। कृपया इस संस्कृत भाषा एवं वैदिक धर्म प्रचार प्रसार के महान अभियान महान यज्ञ को अबाध रूप से निरंतर संचालित करने हेतु आप सभी प्रति माह स्वेच्छा पूर्वक अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहे।
धन्यवाद। ठीक है, चलिएगा, ये आपसे मैंने निवेदन कर दिया। और आप सीधा यहाँ पर वीडियो से भी सीधा स्कैन करके भी कर सकते हैं, ये भी हमने आपको सुविधा दी हुई है, जो का आजकल ये स्कैन आ गया है, आपको कोई अकाउंट टाइप नहीं करना, तो आप वीडियो के ऊपर स्कैन करके और सीधा अपना सहयोग भेज दीजिएगा। इतने निरंतर मित्र हम एकदम निस्वार्थ भाव से 18 घंटे कार्य कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत भाषा के हर पहलू का प्रचार प्रसार करने के लिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य आप देखते होंगे। ठीक है, चलिएगा, तो इस जीवन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप निरंतर मुझे सहयोग देते रहें, इससे मैं चिंता मुक्त रहूं और एकदम शांत मन से आपको अच्छी प्रकार से गहराई से शास्त्रों का अध्ययन कराऊं। ठीक है, तो गत कक्षा में मित्रों मैंने आपको ये पढ़ाया था, यहां ये एक वार्तिक पढ़ाया था, लिंगार्थातु प्रत्यापत्ति है, इसको थोड़ा तर्क भी किए थे काफी इन लोगों ने। ठीक है, और अंत में ये निकाला था इन्होंने कि भाई ये जो संवृत आदि दोष की बात आ रही थी वो हम विदादी गण में और ये गर्गादी गण आदि में पाठ मान करके सिद्ध कर लेंगे, वो कोई वार्तिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से कोई उनको भी पढ़ने उनको हटाने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पाठश्च विशेष्यते कलादयश्च निवर्त्यन्ते, कलादि जो दोष है वो भी हट जाएंगे इन पर, और पाठ माने इन शब्दों से जो कार्य करना होता वो भी हो जाएगा। ठीक है, और ये आगे उदाहरण भी दिए थे, न्याय दिए थे, ये दो अर्थ वाले वाक्य भी दिए थे कि कभी कभी वाक्यों का दो दो अर्थ निकल आते हैं, तीन तीन भी निकल आते हैं। अब इसके आगे हमारा अब कहते हैं भाष्यम, अब ये अभी तो उससे समाधान कर दिया था, परंतु अब अंतिम एकदम अल्टीमेट अल्टीमेटली जो अंतिम पक्ष है, अंतिम एकदम जो सिद्धांत पक्ष है उसको बताने जा रहे हैं कि वास्तव में विदादी गण में मान करके हम उस कलादि दोषों की निवृत्ति कर लेंगे, यह तो दिया कर हो जाएगी, परंतु करने की वास्तव में आवश्यकता है कि नहीं है। ठीक है, करने की आवश्यकता है कि नहीं है, इस बात पर आप आगे भाष्यकार कह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये मानिएगा समाधान पक्षी ही बात कह रहे हैं कि हमने समाधान दे दिया कि संवृतादि दोषों को की प्राप्ति हो रही है, उसको निवारण के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना, परंतु अब हम आपसे ये पूछते हैं अब हम आपको ये पूछते हैं भाष्यम, अथवा इदं तावत् अयम् पृष्टव्यः, भाई सबसे पहले ये पूछना चाहिए, जो बात ये शंका उठाते हैं लोग, जो लोग ये बात शंका उठाते हैं कि भाई कि संवृतादि दोषों की प्राप्ति हो जाएगी, उनके निवारण के लिए भी उनका प्रतिषेध करना चाहिए, जो लोग इस बात को कह रहे हैं, कहते हैं, मानते हैं, उनको सबसे पहले अथवा इदम तावत प्रष्टव्य, अथवा ये जो पक्ष हमने बता दिया उससे भी समाधान हो गया, परंतु इसके अलावा ये बात उनको पूछनी चाहिए पहले, क्या वे मे संवृता दया शूयेरन्निति, कि जो आपने संवृतादि कलादि दोष बताए ये बताओ पहले वो है कहां पर, सुनाई कहां देते हैं माने कौन से वर्णों में सुनाई देते हैं, कौन से शब्दों में सुनाई देते हैं, बताओ पहले। ठीक है, तो कहते हैं आगमेषु, वो कहता है कि आगमों में सुनाई देते हैं, आगम जो अष्टाध्यायी से सूत्रों से आगम होते हैं, आगमों में यदि संवृतादि दोषों का श्रवण होता है
तो उसका उत्तर कहते हैं आगमाः शुद्धाः पठ्यन्ते। भाई महर्षि पाणिनि ने जो आगम किए वो तो एकदम शुद्ध पढ़े हो, समृतादि दोषों से रहित करके पढ़े हुए, उच्चारण किया हुआ है, ठीक है। तो आगमों में तो ये प्राप्ति नहीं है। विकारेषु तरहि, अच्छा ऐसा कह रहे हो तुम कि विकारों में, विकार का अर्थ होता है आदेश, आदेश करते हैं शब्द को, कोई कोई आदेश करते हैं प्रत्यय के किसी भाग को आदेश करते हैं। तो विकारों में यदि जो आदेश करते हैं उनमें यदि समृतादि दोष की प्राप्ति हो रही है तो कहते हैं विकारा अपि शुद्धाः पठ्यन्ते, कि जो भी महर्षि पाणिनि ने विकार किए हुए हैं आदेश आदि वो भी एकदम शुद्ध किए हुए हैं, शुद्ध वर्णों का ही उच्चारण किया हुआ है। और प्रत्ययेषु तरी, यदि वो कहते हैं तरी प्रत्ययों में, प्रत्ययों में माने आप यदि मानते हैं, ये वाला जो पहला पहला वाक्य है ये शंका पक्षी माने, शंका पक्षी माने आक्षेपकर्ता की तरफ से है और ये समाधान की तरफ से चल रहा है। यदि कहता है कोई कि प्रत्ययों से तो प्रत्ययेषु तरी, तो प्रत्यय उनमें सुनाई देते होंगे, तो कहते हैं प्रत्यया अपि शुद्धा पठ्यन्ते, भाई प्रत्यय भी एकदम महर्षि पाणिनि ने शुद्ध पढ़े हैं, प्रत्ययों के उच्च वर्णों के उच्चारण में कोई भी समृतादि दोषों का उच्चारण नहीं है, सो शुद्ध है एकदम प्रत्यय। कहते हैं धातु सुतरी, तो फिर भाई धातुओं में मिल जाएंगे, कहीं धातुओं में प्राप्ति हो जाएगी, तो कहते हैं उत्तर देते हैं धातवोपि शुद्धाः पठ्यन्ते, धातुएं भी शुद्ध पड़ी हुई हैं धातु पाठ के अंदर। भाई क्या धातवोपि शुद्धाः पठ्यन्ते, धातुएं भी शुद्ध पड़ी हुई हैं धातु पाठ के अंदर, उनमें भी नहीं प्राप्ति है। तो कहते हैं प्रातिपदिकेषु तरहि, अच्छा फिर जो प्रातिपदिक हैं गणों के अंदर शब्द जो पड़े हुए हैं उनमें हो सकता है, तो कहते हैं प्रातिपदिकान्यपि शुद्धानि पठ्यन्ते, अरे भाई प्रातिपदिक भी एकदम शुद्ध पड़े हुए हैं महर्षि पाणिनि ने शास्त्र के अंदर, ठीक है। तो कहता है वो यानि तरहि अग्रहणानि प्रातिपदिकानि, तो ऐसा मान ले, ऐसा हो सकता है कि महर्षि पाणिनि ने सभी शब्दों को तो नहीं पढ़ दिया शास्त्र के अंदर, हैं सभी शब्दों को तो नहीं पढ़ दिया, तो यानी माने जो अग्रतरी अग्रहणानि प्रातिपदिकानि, जिनको पढ़ा नहीं है, जिनको पढ़ा नहीं है शब्दों माने गणों के अंदर, उन शब्दों में समृतादि का श्रवण हो सकता है, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो कहते हैं एतेषामपि स्वर वर्णानुपूर्वी जानार्थ उपदेशः कर्तव्यः, कि जो शब्द पढ़े नहीं है उनके स्वर वर्णानुपूर्वी माने इस स्वर, इस स्वर रूपी वर्ण के बाद में ये आ रहा है, ह्रस्व और विवृत समृति आ रहा है, इसके लिए उपदेश करना चाहिए, ठीक है। शशः शशमा भूत, अरे शश को शश ना हो जाए, पलाशः पलाशमा इति मा भूत, कोई पलाश को पलाश ना बोल दे, श को श ना बोल दे, और शश को ये शश को शश ना बोल दे। मंचको मंजक इति मा भूत, माने मंचको मंजक ना हो जाए, इसलिए पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं कि यहां पर आपने जो बात कही कहते हैं मित्रों, ये इसी पंक्ति ऊपर दोबारा एक बार मैं बता देता हूं आपको, यानी तरी अग्रहणानि प्रातिपदिकानि, ये प्रश्नवाचक क्या लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये
समाधान पक्ष वो आक्षेपकर्ता की तरफ से है कि यदि ये सभी शुद्ध पड़े हुए हैं तो फिर ऐसे प्रातिपदिकों में हमें सुनाई देगा दोष समृतादि जो महर्षि पाणिनि ने बनाए नहीं है। क्या अर्थात डित्थादि शब्द हैं जिनको महर्षि पाणिनि ने अपने अव्युत्पन्न माना है। क्या माना है? अव्युत्पन्न। दो पक्ष माने, एक व्युत्पन्न पक्ष माना, एक अव्युत्पन्न पक्ष माना है। परंतु क्या है, महर्षि पाणिनि ने ऐसा एक तरीका बता दिया कि सभी शब्दों को आप व्युत्पन्न बना सकते हैं। एक उणादि ग्रंथ है उणादि, उससे ऐसी विधा बता दी कि आप वो जिन शब्दों के अंदर एकदम धातु और प्रत्यय स्पष्ट नहीं दिख सकते हैं, नहीं समझ में आते हैं, जैसे डित्थ शब्द है, डित्थ है, कपित्थ है आदि ऐसे बताए हैं। ठीक है, डित्थ कपित्थ, तो कहते हैं इनकी सिद्धि भी हो जाती है, इनकी सिद्धि भी हो जाती है। कहां? उणादि के अंदर, अथवा प्रशोदरादि ने आदि गण बना दिए हैं कि जो श्रेष्ठ आचार्य हैं, जो आज जो आचार्य गण हैं उनके द्वारा जिनका साधुत्व माना गया है वो साधु माने जाते हैं। तो कहते हैं कि वो जो ये आक्षेप करता ये यदि कहता है कि यदि जो प्रातिपदिक बनाए नहीं है, जो अष्टाध्यायी में नहीं है, धातु पाठ में नहीं है, गण पाठ में नहीं है, ठीक है, तो उनमें समृतादि दोष सुनाई देंगे, इसलिए समृतादियों का प्रतिषेध करना चाहिए। तो ये समाधान करता, समाधान पक्षी कहता है कि एतेषाम अपि स्वर वर्णान पूर्वी ज्ञानार्थ उपदेशः कर्तव्यः, माने इस प्रकार के जो शब्द हैं उनको भी हमको क्या है, स्वर वर्णान पूर्वी, माने इस वर्ण के बाद में ये वर्ण है, इस स्वर के बाद में ये स्वर है, ठीक है, इसके जान के लिए क्या करना चाहिए उनको भी हमें बताना चाहिए, उनको भी बताया है। ठीक है, उनको कहां बताया है, तो कहते हैं कि उणादि जो ग्रंथ है वहां पर इन शब्दों की भी, जिन शब्दों का गणपाठ में या अष्टाध्यायी के अंदर पाठ नहीं किया गया है, तो उन शब्दों को के अंदर भी प्रकृति प्रत्यय के विभाग उणादि के द्वारा करके हम वहां पर भी उनका शुद्ध ज्ञान हो जाता है, समृतादि दोषों की प्राप्ति नहीं होती है। तो समाधान पक्षी ने कहा एतेषाम अपि स्वर वर्णान पूर्वी ज्ञानार्थः उपदेशः कर्तव्यः, माने आपने जो कहा है कि जो प्रातिपदिक पाणिनि ने नहीं पढ़े उनका के लिए उनका भी सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुद्ध रूप से उनका भी हमें उपदेश करना चाहिए, वो किया ही है, करना चाहिए, उपदेशा कर्तव्य कर दो, उपदेश करना चाहिए, तो किया ही है आचार्यों ने, किया ही है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसकी जिसके अंदर हम जो धातुओं से नहीं बनते, सभी शब्दों की व्युत्पत्ति धातुओं से मानी गई है। ठीक है, तो कहते हैं जैसे शशह शशमा भूत, माने शशह शब्द है खरगोश, तो उसके स्थान में कोई शशह को शशा ना बोल दे, तो इसलिए इस शब्द की भी हम सिद्धि करेंगे, धातु प्रत्यय लगा करके सिद्धि कर देंगे, और धातु और प्रत्यय शुद्ध पड़े हुए तो उनसे बना हुआ शब्द एकदम शुद्ध माना जाएगा, और प्रशोदरादि आदि गण में मान सक करके हम इनका साधुत्व संपन्न कर लेंगे, तो प्रशोदरादि गण आदि में पड़े हुए जो शब्द हैं वो शुद्ध हैं एकदम, उनमें समृतादि दोष नहीं है। तो इति माभूत पलाशा पलाष्ट माभूत, इन शके स्थान में शना हो जाए, इसलिए इनका भी उपदेश वहां मानना ही चाहिए। महमाभूत
मंचको मंजकैति मा भूत, माने चको जाना हो जाए, तो इसका इस प्रकार के शब्दों का भी पाठ किया गया ही है, माने ये साधुत्व स्वीकार किया गया है, इनमें कोई भी दोष नहीं है, ये समझ लीजिएगा ठीक। तो अब क्या हुआ, अब आगे एक श्लोक दे रहे हैं ये अंत में, आज पहला आनिक समाप्त हो रहा है हमारा, एक श्लोक दे रहे हैं इसी इसी भाव को प्रकट कर रहा है। वो कहते हैं आगमाश्च विकाराश्च प्रत्यया सह धातु भी उच्चार्यन्ते ततस्तेषु नेमे प्राप्ताः कलादयः। कहते हैं आगम विकार प्रत्यय धातुओं के साथ, क्योंकि तो जो शब्द बनते हैं वो क्या है, धातु, हर शब्द में धातु लेनी पड़ती है, तो धातुओं से प्रत्यय लगा करके आगम लगा करके क्या है, सारे शब्दों की सिद्धि होती है, अर्थात उच्चार्यन्ते माने महर्षि पाणिनि के द्वारा कहे ही गए हैं शास्त्र में। तथा इस कारण से तेषु माने उन शब्दों में, जो भी शब्द हैं शास्त्रीय शब्द, जो भी हम जिनकी बात कर रहे हैं व्याकरण पढ़ेंगे, उन शब्दों में न इमे प्राप्ता कला दया, न इमे कला दया प्राप्ता, ये जो कलादि समृतादि दोष हैं इनकी प्राप्ति है ही नहीं, क्योंकि इन सभी शब्दों की जब हम व्युत्पत्ति करते हैं तो उसमें शुद्ध धातु लेते हैं, शुद्ध प्रत्यय लेते हैं, शुद्ध आगम लेते हैं, क्या होता है शुद्ध शब्द बन जाता है, समृतादि दोषों की प्राप्ति हुई ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंततः क्या किया, अंततः मित्रों जो ये वार्तिक था कौन सा, हम पीछे देख लेते हैं, ये आकृत्युपदेशात सिद्धम, फिर आगे कहा था आकृत्युपदेशात सिद्धम इति चेत समृतादीनां प्रतिषेधः, ये वाला वार्तिक, और इसके आगे वार्तिक था आपका, हाँ ये वाले वार्तिक का क्या हुआ, प्रत्याख्यान हो गया, क्या हुआ प्रत्याख्यान हो गया, प्रत्याख्यान का अर्थ हुआ खंडन कर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जब इसका प्रत्याख्यान हुआ तो इसका भी प्रत्याख्यान हो गया, अर्थात इसकी आवश्यकता नहीं है, इस पर इसका यह प्रश्न था। अच्छा, इससे पहले आकृत्य उपदेशा सिद्धम, यहां पर यह था, ये केवल वार्तिक था, इष्ट बुद्ध्यर्थश्चेत उदात्तानुदात्त स्वरितानुनासिक दीर्घ प्लुता नाम अप्युपदेश, ये कहा था, इसका भी प्रत्याख्यान हो गया, और इष्ट बुद्ध्यर्थश्च ये जो कहा था इष्ट बुद्धि के लिए, ठीक है, तो अनुबंध करणार्थश्च ये तो अब क्या है, यहां तक तो ठीक है, अब आगे के वार्तिकों का क्या हुआ, प्रत्याख्यान हो गया, इनको कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है, महर्षि पाणिनि ने जो पढ़ा हुआ है उसी से सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आकृति उपदेश माने आकृति तो चलेगी, वो तुल्यास प्रयत्रम सवर्णम से आकृति माने ह्रस्व सभी का 18 का ग्रहण कराई लेता है, ठीक है। तो ये जो आक्षेपकर्ता के जो वार्तिक थे उनका प्रत्याख्यान कर दिया कि नहीं कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं होता, वो तो ठीक ठाक है, वो कोई दोष प्राप्त नहीं होता, ये भी दोष प्राप्त नहीं होते हैं, और ये समृतादि दोष भी प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो अंततः ये निर्णय दे दिया कि ये जो प्रत्याहार सूत्रों में जैसे पड़े हैं वैसे ही ठीक हैं, ठीक है, उनसे ही
एक ह्रस्व आकार सभी ह्रस्व आकार वर्ण जो अवर्ण है उसका ग्राहक हो जाएगा, इसी प्रकार से आगे के वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये सार दे दिया। अब आ जाइएगा, ये आपका समाप्त हो गया है। इति श्री भगवत पतंजलि विरचिते व्याकरण महाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे प्रथमम आहन्निकम्। प्रथम आहन्निक आपका समाप्त हो गया है मित्रों। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे द्वितीय आहन्निक। यहां पर विशेष ये है कि इस प्रथम आहन्निक का लोक में वर्तमान समय में पश्पशाहन्निक नाम से प्रसिद्ध है, पश्पशाहन्निक। ठीक है, यहां पर पश्पशाहन्निक का कुछ इन्होंने दुष्ट मीमांसक जी ने दिया है, मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं, आपको अच्छा आपके लिए जानकारी के लिए विवरण। वैयाकरण समाज में महाभाष्य का प्रथम आहन्निक पश्पशा नाम से प्रसिद्ध है। पश्पशा शब्द पश बाधन स्पर्शयोः के यंग लुवंत का अप्रत्ययात के अप्रत्यांत स्त्रीलिंग का रूप है। यहां यंगोची च में पठित चकार से अच प्रत्यय से अन्यत्र भी यंग का लुक हो जाता है, तो यंग का लुक हो गया है। अभ्यास को दीर्घो किता से जो दीर्घ प्राप्त होता है वह संज्ञा पूर्व को विधि अनित्य इस परिभाषा से नहीं होता है। पश्पशा शब्द बन जाता है आपका, स्त्रीलिंग में टाप आ जाता है। शब्द का अर्थ है शास्त्र के आरंभ का उपोद्घात रूप ग्रंथ, माने शास्त्र का आरंभ का जो भाग होता है उपोद्घात होता है। उपोद्घात का अर्थ होता है उसमें शास्त्र के अंदर किन किन बातों पर चर्चा होगी, क्या विषय है, हैं वो सारी बातें शॉर्टकट में बताई जाती हैं। तो सारी बातें ये महर्षि पतंजलि ने इस प्रथम आहन्निक माने पश्पशाहन्निक में रख दी। पूरा ये आहन्निक अभी कोई व्याकरण चालू नहीं हुआ आपका, अष्टाध्यायी सूत्र आरंभ नहीं हुए अभी, अभी प्रत्यार सूत्रों का आरंभ नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या है, पूरे शास्त्र को स्पर्श किया है इसके अंदर, पूरे शास्त्र की बातों को, इसलिए इसको पश्पशाहन्निक बोलते हैं। ठीक है, यहां पर इन्होंने एक श्लोक भी उदाहरण दिया है, अन्न भट्ट ने प्रदीप उद्योतन के प्रस्तुत आहन्निक के अंत में लिखा है, प्रदीप की एक और टीका है, क्या है, शास्त्रस्यारंभको ग्रंथ उपोद्घात इतीरितः स एव ग्रंथ संदर्भ पश्पशः कथितो बुधैः। कहते हैं शास्त्र के आरंभ का जो ग्रंथ होता है उसको उपोद्घात नाम से कहा गया है। ठीक है, स एव ग्रंथ संदर्भ, वही ग्रंथों का ग्रंथ का जो संदर्भ प्रकरण है, सभी पूरे ग्रंथ के संदर्भ को बताने वाला, उसी को पश्पशाह कथितो बुधही, माने विद्वानों के द्वारा उसी को पश्पशाह। तो यहां पुल्लिंग का प्रयोग किया है, पुल्लिंग कहिएगा चाहे स्त्रीलिंग कहिएगा एक ही बात है। ठीक है, अर्थ समान है। तो पश्पशाह कथिता माने उसी को विद्वान लोग पश्पशाहन्निक बोलते हैं। ठीक है, यहां भट्ट ने पुल्लिंग पश्पशाह शब्द का प्रयोग किया है, इसे अच प्रत्यय का रूप जानना चाहिए। ये क्या पुल्लिंग में अच प्रत्यय मान करके पुल्लिंग में बन जाता है। ठीक है, तो ये अच प्रत्यय भाव में हो जाएगा यहां पर। ठीक है, चलिए, तो ये मित्रों आपका प्रथम आहन्निक संपन्न हो गया। और इसे हिंदी, इसके हिंदी व्याख्याकार हैं, इति युधिष्ठिर मीमांसक कृते महाभाष्य आर्य भाषा व्याख्याने प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे पश्पशाहन्निकम् नाम प्रथमम् आहन्निकम् समाप्तम्। तो हिंदी भाष्य की है वो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक महाराज जी के द्वारा की गई है।
बहुत बड़े विद्वान हैं। तो अब अगली कक्षा में मित्रों अब हम पढ़ेंगे अथ द्वितीयम प्रत्याहारनिकम। अब प्रत्याहार सूत्रों का आरंभ होगा आ ई ऊण। ठीक है, आपकी 42 कक्षाएं हमने पढ़ा दी हैं, 42 कक्षाओं में आपको हमने प्रथम आहन्निक पश्चाहन्निक पढ़ा दिया है। ठीक है जी, चलिएगा अब आगे की कक्षा में मिलेंगे। और आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप प्रौढ़ विद्यार्थियों तक इन कक्षाओं को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि इस शास्त्र को पढ़ने के लिए बहुत सारे अध्यापक गण, आचार्य गण, शास्त्री गण लालायित रहते हैं, पर पढ़ाने वाले नहीं मिलते हैं। प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से, आप सभी के सहयोग से एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि अब हर कोई अपने घर पर बैठे बैठे पढ़ सकता है। परंतु पढ़ने के लिए उसके पास सूचना होनी चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर व्याकरण महाभाष्य नाम का ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है। इसमें आप सहयोग कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, निःशुल्क अभियान है। संस्कृत भाषा के प्रौढ़ ग्रंथ का अध्यापन कराया जा रहा है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।